पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भिंड कलेक्टर पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भिंड कलेक्टर द्वारा ब्लैक लिस्टेड सहकारी संस्थाओं को समर्थन मूल्य पर सरसों गेहूं खरीदी केंद्र बनाने के संबंध में पत्र द्वारा अवगत कराया था, परंतु कोई कार्रवाई न होने से कलेक्टर भिंड ने मनमाने तरीके से ऐसी सहकारी संस्थाओं और निजी गोडाउन को गेहूं एवं सरसों समर्थन मूल्य पर खरीदी हेतु केंद्र बनाया जो पूर्व से ब्लैक लिस्ट थे। इसके साथ ही दो जिन सहकारी संस्थाओं के स्वयं के गोडाउन थे उनको न बनाकर खाद्यान्न माफियाओं से सांठगांठ के आरोप अब पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने लगाए। क्या कुछ कहा सुनिए। माफियाओं निजी गोदाम के मालिकों से सांठगांठ कर उत्तर प्रदेश से खरीद गई सरसों जो बाजार मूल्य से 700 रुपए प्रति क्विंटल अधिक भाव है खरीदी केंद्रों पर उन पर बेची गई है। मच्छंड सोसाइटी में 250 बोरे सरसों उत्तर प्रदेश से लाकर व्यापारियों द्वारा बेची जा रही थी। तहसीलदार मेहोना द्वारा पकड़ी गई और कलेक्टर ने माफियाओं से सांठगांठ कर उसको माफिया को ही सुपुर्दगी में दे दी। इसके विरुद्ध जांच के लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि कलेक्टर भिंड के इस कथ की जांच कराएं और किसानों की हो रही लूट के हो रही लूट को रोका जाए। सर आपने पहले भी पत्र लिखा है अगर कार्रवाई नहीं होती है तो क्या 7 तारीख के बाद? मैंने पूर्व में भी अनेकों बार 2 बार पत्र लिखा है मुख्यमंत्री जी को और चीफ सेक्रेटरी जी को कि कलेक्टर भिंड के इन कारनामों की जांच कराएं। जहां शासकीय गोदाम है वो खाली पड़े हैं, प्राइवेट गोदामों को मंजूर देकर अवैध कृत्य क्यों किया जा रहा है? और अगर इस मसले पर पत्र के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो इस विधानसभा आने वाली है जो जुलाई महीने में बजट सत्र, उसमें हम कांग्रेस पार्टी ध्यानाकर्षण माध्यम से इस प्रकरण को उठाएगी और कलेक्टर के भिंड द्वारा किए गए इन कृत्यों के लिए प्रदेश की जनता सदन को हराने का काम करेंगे। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।